हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज की इस लेटेस्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टाटा टियागो का एक एनर्जी मॉडल है। आप यहां पर मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ये टाटा टियागो का एनर्जी मॉडल है जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट लुक है इसका। स्पोर्टी लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये जो कलर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इसका फायर रेड कलर है टियागो एनर्जी का। आपको ये वाला जो एनर्जी मॉडल है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आपको ये जो मॉडल है आपको ऑप्शन मिल जाता है टियागो में। एनर्जी मॉडल के प्राइसिंग के बारे में मैं आपसे वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लें। एंड सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आप इसका जो फ्रंट क्लाइडिंग देखेंगे, डुअल टोन फ्रंट क्लाइडिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आम फ्रंट क्लाइडिंग है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको फ्रंट फॉग लैंप का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको होल बॉडी पे साइड क्लाइडिंग्स दी हुई हैं ब्लैक कलर का, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। एंड स्पोर्टी लुक आपको ये वाला जो क्लाइडिंग है ये बनाता है। एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है टियागो एनर्जी वाले मॉडल में। एंड अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूँ, यहाँ पर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो इसका व्हील है आपको डुअल टोन हाइपर स्टाइल व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसका टायर साइज आपको यहाँ पे 15 inches का आपको टायर साइज ऑफर किया जाता है टियागो एनर्जी वाले मॉडल में। एंड अगर आप इसका रेयर पे अगर आप लुक पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्कुलर टेल गेट फिनिश आपको यहाँ पर मिलता है, साथ में एनर्जी का बैजिंग भी आपको दिया हुआ है यहाँ बैक में आप देख सकते हैं। एंड इसका जो रेयर क्लाइडिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रग क्लाइडिंग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है दिखने में। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा एंड बूट ओपनर का जो कीलेस फीचर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड रियर में आपको वाइपर एंड डिफॉगर का जो फीचर है वो भी यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि यह टॉप मॉडल है तो आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम इसका एक बार फ्रंट से रिव्यू कर लेते हैं। एंड अगर आप इसका रूफ टॉप देखेंगे तो आपको ब्लैक कंट्रास्ट रूफ एंड आपको यहाँ पे रूफ रेल्स जो है वो भी ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है एंड इसके लुक को और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाता है। आप देख सकते हैं इसका रूफ ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर रूफ मिल जाता है। एंड इसका जो ORVM है वो भी यहाँ पर आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश ORVM दिया हुआ है, साथ में जो इसके डोर हैंडल है वो भी यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश, साथ में डोर हैंडल्स का जो है ब्लैक कलर का दिया हुआ है, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस कार को स्पोर्टी लुक प्रेजेंट करता है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम इसका एक बार इंटीरियर का रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कीलेस का जो फीचर है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ORVM जो है वो ऑटो फोल्डेबल जो थे वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप इसका जो इंटीरियर का डोर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा मैट फिनिश दिया हुआ है। एंड इसका जो इंटीरियर का जो थीम है वो आपको चारकोल ब्लैक इंटीरियर का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर मिल जाता है, साथ में आपको ऑल फोर पावर विंडो एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM का जो फीचर है वो भी यहाँ पे मिल जाता है, साथ में बॉटल होल्डर भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। एंड अगर आप इसके जो सीट्स है आप देख सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का जो फीचर है वो भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, बिकॉज ये टियागो का टॉप मॉडल है तो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में जो इसके सीट्स हैं ये फुल्ली फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो चलिए एक बार हम जो इसके एक बार इंटीरियर का रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, जो यहाँ पर इंटीरियर है ये चारकोल ब्लैक इंटीरियर आपको यहाँ पर टियागो में ऑफर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल है, काफी हैवी क्वालिटी है। ये इसका डैशबोर्ड देखेंगे, ये भी आपको जो है मैट फिनिश आपको डैशबोर्ड यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है दिखने में एंड प्लास्टिक जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी है। एंड अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आपको कोल्ड ग्लोव बॉक्स का जो फीचर है वो भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जिसका इसमें पंचर किट है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। एंड इसमें दो रिमोट कीज आपको इसमें ऑफर किया जाता है, ये देखिए कीज जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। एंड इसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका स्टीयरिंग है, यहाँ पे आपको जो है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड जो ये जो स्टीयरिंग है ये पावर स्टीयरिंग है एंड साथ में स्टीयरिंग जो है टिल्ट का जो फीचर है टिल्ट स्टीयरिंग वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये देखिए मैं जो इसके स्टीयरिंग को हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर लीवर दिया हुआ है तो आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम जो है इसके कार को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसमें पुश बटन स्टार्ट आपको एनर्जी में ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसका डिस्प्ले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको गियर शिफ्टिंग का जो गियर शिफ्टिंग है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर है, ये किलोमीटर कितनी गाड़ी रन हुई है आपकी। एंड यहाँ से अगर ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो है आप इसकी एवरेज भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर है वो आपको यहाँ पे एनआरजी में मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ पे, आपने देखा होगा कि आपको जो है इसमें जो इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे स्टेयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल का जो फीचर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड साथ में जो ये जो स्टेयरिंग है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है यहाँ पर। एंड अगर आप इसके वेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर, अगर ये जो टेक्सचर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिल्वर कलर का यहाँ पे एसी वेंट्स पे डिज़ाइन बना हुआ है। एंड ये जो पूरा पोर्शन है ये पियानो ब्लैक दिया हुआ है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको जो है स्टीयरिंग पे भी मिलता है यहाँ पे। एंड अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। ये इसका सबसे हायर वर्जन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको इस वाले म्यूजिक सिस्टम में मिल जाता है। इसका जो स्क्रीन साइज है ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिक वर्जन है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रिवर्स कैमरा है वो चालू हो चुका है। साथ में डायनेमिक गाइडलाइंस जो है उसके साथ फीचर दिया हुआ है। ये देखिए जैसे स्टीयरिंग मैंने रोटेट किया यहाँ पे, तो इसका जो डायनेमिक गाइडलाइंस है वो फीचर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो वापस से मैं इसको मैनुअल पे शिफ्ट कर देता हूँ। एंड अगर आप इसका बीच का कंसोल पैनल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर मिल जाता है टियागो में। ये इसका हैंड ब्रेक है। एंड यहाँ पे भी आप जो है बॉटल होल्डर या कीज वगैरह आप जो है यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के थ्रू जो है आप इसका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट आपको पावर आउटलेट यहाँ पर मिल जाता है। एंड इसका जो AC है ये मैनुअल AC आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है इस वाले मॉडल के अंदर। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी इसके कुछ कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये बूट ओपनर है, ये कार के सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक करने का है, ये रियर डिफॉगर का है, एंड ये फ्रंट फॉग लैंप का जो फीचर है उसका स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वॉल्यूम अप एंड डाउन का जो फीचर है वो यहाँ पे भी है। साथ में स्टीयरिंग पर भी आपको ये फीचर मिल जाता है। अगर आपको सॉन्ग वगैरह चेंज करने तो आप इससे कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन से। एंड इसके अलावा अगर ये वाला देखेंगे तो कॉल पिक करने का, कॉल ड्रॉप करने का है। ऑन हेड अगर आप यहाँ देखेंगे, माइक यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑन हेड। एंड ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कैबिन लाइट है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड वेंटी मिरर आपको जो है को ड्राइवर सीट पे यहाँ पे मिल जाता है। साथ में इसका जो ORVM है, ये डे नाइट IRVM का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो हेडलैम्प है, आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बिल्कुल मेरे राइट साइड में यहाँ पे वाइपर का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एंड यहाँ पर जो आप इसका गियर लीवर यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ऑटोमेटिक का गियर लीवर है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक न्यूट्रल एंड थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स का जो फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है। साथ में अगर आप इसको मैनुअल ड्राइव करना चाहते हैं तो लीवर को कुछ इस तरीके से डाउन करके लेफ्ट की तरफ पुल करेंगे तो अब ये जो है मैनुअल मोड पर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जैसे ही आपको गियर अगर इसको प्लस करना है तो आपको इसको आगे की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से, स्पीड को इंक्रीज करके। अगर आपकी स्पीड कम है, आप बार बार इसको चेंज करें तो चेंज नहीं होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ कि इस कार का जो है प्राइस कितना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो टियागो का ये ऑटोमेटिक वर्जन है, इसका एक्स शोरूम प्राइस 7,65,900 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। एंड ये ऑन रोड आपको जो है 8,69,000 आपको ये ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। ये मतलब अगर आप हरियाणा से अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो ये 8,69,000 पे ऑन रोड कीमत है, 7,65,900 इस कार का एक्स शोरूम प्राइस है। एंड जो इसके बैक सीट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इसकी सीट्स हैं वो स्प्लिट सीट्स हैं, आप उस सीट को पूरी तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड रियर में अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे पावर विंडो मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक का फीचर वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए एक बार हम इसके एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको जो है टियागो एनर्जी में कितने लीटर का आपको बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 242 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। साथ में अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो है टूल्स जो है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लेस्ड है टियागो एनआरजी वाले मॉडल में। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जो इसका स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल इस ट्रे के बिल्कुल नीचे की तरफ दिया हुआ है, बिल्कुल सेपरेट है यहाँ पे। एंड ये जो स्पेयर व्हील है ये 13 इंचेस का आपको टायर साइज ऑफर किया जाता है। टियागो के सभी मॉडल में आपको 13 इंचेस का स्पेयर व्हील ही आपको दिया जाता है। टियागो एनआरजी के जो फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किया है ये लुक वाइज काफी ज्यादा कूल है। एंड
एंड अगर आप इसका रूफ टॉप देखेंगे, ये पूरा जो है इन्फिनिटी ब्लैक रूफ एंड रूफ रेल्स आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है टियागो में, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाता है। मतलब दोस्तों आप एक हैचबैक कार के साथ भी इजिली आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जो इसके 181 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से इनफ है ऑफ रोडिंग के लिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।